कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के धरने पर आप विधायक समर्थक दिल्ली कैट आप विधायक देवेंद्र कद्यान समर्थक के साथ धरने पर पहुंचे हैं। देवेंद्र कद्यान का बयान, जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा ये किसानों का आंदोलन। हर संभव किसानों के साथ सरकार के खिलाफ खड़े होकर किसानों के साथ रहेगा। प्राइम बी के न्यूज चैनल के लिए बागपत से वीरेंद्र तोमर की एक खास रिपोर्ट। कल मुझे पता चला कि जी बड़ौत में हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं किसान। दिल्ली के चारों तरफ तो किसानों ने धरना शांतिपूर्ण धरना कर ही रखा है। अब पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब राजस्थान में शाहजहाँपुर में बड़ौत में बागपत में हर जगह जो धरना हो रहा है, वो किसान कह रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं MSP वाली मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो होना चाहिए, और तीनों काले कानून जो उद्योगपतियों के हक के कानून हैं और किसान विरोधी कानून हैं इनको रद्द किया जाए। तब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, किसान धरने पर बैठे रहेंगे। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम समाज के हर तबके के बीच घूमते हैं, सारे के सारे लोग आज किसानों के साथ हैं। वो कहते हैं कि किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। आज अगर ये बिल लागू हो गया तो ये आने वाले समय में इनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले बिल हैं। आपकी पार्टी का किस तरह समर्थन मिल रहा है किसानों को? श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने खुले दिल से किसानों का समर्थन किया है। वो खुद भी सेवादार बनकर कई बार सिंगो बॉर्डर पर गए हैं, और जो सरकार कर सकती है, जैसे वाईफाई लगाया अभी हमने, शौचालय की व्यवस्था करी, और सेवा कर रहे हैं लोगों की, सारे विधायक पार्षद और जो कार्यकर्ता हैं हमारे पार्टी के, यहाँ भी आप देख रहे हो सोमेंद्र डाका जी भी बार बार वकील साहब आते रहते हैं, सभी लोग हम जहाँ जहाँ धरने हो रहे हैं वहाँ पर जाके लोगों की सेवा करें, किसानों की सेवा करें, राजनीति से दूर हटके। वार्ता विफल रहती है 26 जनवरी को, पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा आपका? ये केंद्र की सरकार चाहती है कि ऐसे ही टालते रहो और किसानों के बीच में बिखराव की स्थिति पैदा करना चाहती है। आप देख रहे हैं 40 दिन हो गए करीब करीब, सर्दी का मौसम है, बारिश भी हो रही है, फिर भी किसान हिम्मत से जुटे हुए हैं। ये एक प्रकार से इनके लिए जीवन मरण की स्थिति है। आज ही अगर कानून लागू हो गए तो भविष्य इनका और इनके बच्चों का खराब होने वाला है। इसलिए किसान बिना किसी चीज़ को सुख दुख को देखे धरने पर बैठे, और इनकी बात बिल्कुल जायज़ है, इनकी मांग जायज़ है, हम लोग इनका समर्थन करते हैं, दिल्ली सरकार इनका समर्थन करती है। क्या पार्टी? देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।